हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। अभी तक हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बहुत सारी बात करी, एग्जांपल्स देखे, फिर उसके बाद में ट्रायंगल के बारे में कुछ पढ़ना चालू किया। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ एक नई चीज़ कि जो हमने अभी तक थ्योरी देखी थी, ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, एक सेंटर, उनसे रिलेटेड कुछ एक दो पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले नोट से। तो ये बोलता है कि सरकम सेंटर जो होता है, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं, सेंट्रोइड जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, ऑर्थो सेंटर जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, ये किसी भी एक ट्राइंगल पे एक ही लाइन पे लाई करते हैं। इसका मतलब ये अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो मतलब ये क्या हो गए, ये कोलिनियर हो गए। इसका मतलब ये अगर ओ है और ये एच है तो जी एक ऐसा पॉइंट है जो इसको डिवाइड करता है, ओ जी बाय जी एच को ये डिवाइड कर दे। ओ जी जो है वो ओ और एच को डिवाइड करता है 1:2 के रेशियो में। तो ये जो रेशियो होता है ये होता है ओ जी इज इक्वल टू ओ जी बाई जी एच इज इक्वल टू 1/2। फिर बात करते हैं अगर मेरे पास में आइसो वो ट्राइंगल जो था वो अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो उसमें आपका जो सेंट्रॉइड हो गया, तो जो सेंट्रॉइड है आपका, सॉरी लेट मी डू दी हाईलाइट पार्ट, चलो ये हट ही गया है, ठीक है। तो जो सेंट्रॉइड है आपका, जो ऑर्थो सेंटर है, जो इन सेंटर है और जो सरकम सेंटर है, ये सारे एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। यहाँ पे सेंट्रॉइड लिखा हुआ है, ठीक है, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर एंड सरकम सेंटर ऑल लाए ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अगर यही मैं बोलूँ कि यही ट्राइंगल हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो उस पर यही जो ऊपर के चारों हमारे सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सरकम सेंटर हैं, ये सारे के सारे पॉइंट क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। तो एक प्रॉब्लम देखते हैं, उस प्रॉब्लम में देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि जो रेशियोज़ हैं उनका क्या मतलब है और उसके बारे में मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। तो प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम में मेंशन किया हुआ है कि इफ़ सरकम सेंटर ऑफ एन एक्यूट एंगल्स ट्राइंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल लाई एट ओरिजिन एंड सेंट्रॉइड इज लाइंग एट द मिड ऑफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थो सेंटर। तो सबसे पहले तो मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ और उस ट्राइंगल में देखता हूँ कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को ही समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको तो अपन नो फिल कर देते हैं, ये ट्राइंगल हो गया। अब इस ट्राइंगल में मैंने एक लाइन बना दी, ये एक लाइन बना दी। अब मैं इसमें मार्क करता हूँ कुछ पॉइंट्स। तो सपोज दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकेंड पॉइंट एंड दिस इज थर्ड पॉइंट। अब मैंने बोला ये जो पहला पॉइंट है ये हमारा क्या है, सरकम सेंटर ओ। तो सरकम सेंटर जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, लाई एट ओरिजिन, तो दैट मीन्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सरकम सेंटर इज 0,0। उसके बाद में हमारे पास में सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड को हम बोलते हैं जी। सो सेंट्रॉइड लाइज इन द मिड ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो मेरे को दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ए स्क्वायर प्लस वन, ए स्क्वायर माइनस वन, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, और ये क्या दे रखा है, 2a - 2a, इनके मिड पे ये लाई कर रहा है। तो जो जी के कोऑर्डिनेट हो गया, जी एक से हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वन प्लस 2a/2, और जी वाई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वन माइनस 2a/2। दिस इज प्लस वन नॉट माइनस वन, दिस इज प्लस वन, सो इन प्रॉब्लम इट इज प्लस वन नॉट माइनस। सो नाउ वी कैन ऑल्सो मॉडिफाई द सेम थिंग एंड वी कैन राइट इट लाइक दिस, ए प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन टू एंड ए प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन टू, दिस इज जी वाई एंड दिस इज जी एक्स। तो इसके भी कोऑर्डिनेट्स मुझे पता लग गए और हमको ये प्रॉपर्टी पता है कि ओ जी एच इज ऑलवेज डिवाइडेड इन द रेशियो 1:2। तो अब मैं क्या करता हूँ, सेक्शन फॉर्मूला लगाता हूँ और एक्स के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर, एच के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करता हूँ। एच जो है वो हमारा क्या है, एक्स वाई, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाता हूँ एक्स वाई। तो पहले मैं एक्स निकालता हूँ, एक्स आपका क्या आ जाएगा सेक्शन फॉर्मूला से, 0 × सॉरी गलत कर दिया ये हमने, जी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में दे रखे हैं, वो कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या है हमारे पास, ये ए प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन टू एंड ए प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन टू। नाउ 1 × x, सो ए प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू 0 × 2 प्लस 1 × x अपॉन 2 + 1। सो फ्रॉम हेयर आई केम टू नो दैट एक्स इज इक्वल टू
3 by 2 into a plus 1 whole square. Likewise, I'll also do, this is a plus 1 minus 2a, that means this is not a plus 1, this is a minus 1 whole square by 2. So this will be minus. So now a minus 1 whole square upon 2 will be equal to, again, y into 1 plus 2 into 0 upon 3. So this will give you y is equal to 3 by 2 into a minus 1 whole square. So this is x coordinate and this is y coordinate for h. तो हमको अब ऑर्थो सेंटर पता लग गया. ऑर्थो सेंटर के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आ गए, 3 by 2 a plus 1 square and 3 by 2 a minus 1 whole square. So this is it for this video. Next video में एक और problem करके triangle के ऊपर कुछ properties के ऊपर कुछ example करके और सीखेंगे इसके बारे में. और next to next lecture में हम लोग start कर देंगे locus और straight lines. Okay. Thank you for viewing this lecture. Kindly subscribe and share this lecture and also like this lecture. Thank you.